स्वतंत्रता दिवस पर अंधेरी विधानसभा में दिखा देशभक्ति का जुनून। विधायक रमेश लटके के संग अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने किया एक साथ झंडा वंदन। देश के 17वें स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरे देश में जगह जगह तिरंगा फहराया गया, वहीं अंधेरी विधानसभा भी इससे अछूता नहीं रहा। लगभग हर चौराहे पर देशभक्तों ने झंडा वंदन किया। देश की स्वतंत्रता का दिन है और हमारे पूरे इस ब्राह्मण संघ ने, राष्ट्रीय क्रांति मंच ने ये झंडा वंदन हर साल की तरह से आयोजित किया है और देश के स्वतंत्रता दिवस पे इस विभाग के विधायक के नाते ये सम्मानजनक जो झंडा वंदन है, जिसका बहुमान बहुत कम लोगों को मिलता है, वो इन्होंने आज मुझे दिया, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आजादी के इस दिन कई आश्चर्यजनक संयोग भी देखने को मिले। जहाँ एक ओर वार्ड 72 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बाइक रैली निकालकर जश्न मनाया, वहीं उसी सड़क पर उनके आगमन के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क के गड्ढे भरते देखे गए। तो हम लोगों ने सोचा कि जो 25-30 साल से गवर्नमेंट हमारी है, बीएमसी और बीएमसी में जो शिवसेना और बीजेपी की, तो उन्होंने जो खड्डा भरते हुए, उन्हें 25-30 साल हो गए लेकिन आज तक वो खड्डा भर नहीं पाए। तो हम लोग अपने नीतियों से, हम लोग ने मोर्चा नहीं निकाला, विरोध नहीं किया, हम गांधी जी की नीतियों पे चलते हुए हम सोचे कि इस खड्डे को हम लोग श्रमदान के मार्फत, इसको हम खुद श्रमदान करके उसको खड्डे को भर देंगे। अब हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू करेंगे, हर एक बूथ में जाएंगे, हर एक पार्ट में जाएंगे, क्योंकि बीएमसी के माध्यम से बहुत सारे झाड़ों की, मतलब वृक्षों की तोड़ हो चुकी है और इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर हो रहा है। इसके अलावा वार्ड 71 में भी एकता की एक अनोखी मिसाल देखी गई, जहां उत्तर भारतीय समाज की ओर से इंद्रसेन उपाध्याय द्वारा आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम में स्थानीय शिवसेना विधायक रमेश लटके के तिरंगा लहराते ही भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस तीनों दिग्गज पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ सलामी दी, जैसा कि शायद ही पहले कभी वार्ड 71 में देखा गया होगा। ये कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से चल रहा है, आज 70 साल हो गए थे आजादी को। इस खुशी में हम लोग ने झंडा वंदन जोरदार कार्यक्रम किए और उसमें शहीद दिवस, मनीष पटेल जो मुख्य इसके आयोजक थे, शहीद, उसमें शहीद दिवस का कार्यक्रम बना और उस कार्यक्रम को जोरदार, कम से कम 500 लोगों की संख्या थी अच्छी और लोगों ने प्रेम से, भाईचारे से लोगों ने अपना समय दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि भारत का युवा एक अंधी दौड़ की तरफ, पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहा है, अंधी दौड़ लगा के पीछे जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत का युवा सारे डे मनाए, वैलेंटाइन डे मनाए, फ्रेंडशिप डे मनाए, चॉकलेट डे, सारे डे मनाए, लेकिन हमारे क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी को भूल के सारे डे ना मनाए, क्योंकि ये ना होते तो शायद हम आजाद, देश आजाद ना होता, ना आजाद होता तो हम डे मना पाते। अंधेरी पूर्व के नागरदास रोड पर युवा नेता मनीष पटेल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी रमेश लटके ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया। वहीं दूसरी ओर उसी स्थान से भाजपा की तिरंगा यात्रा भी गुजरते हुए देखी गई, किंतु चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा का यह काफिला शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं रुका, जहां स्थानीय लोगों ने इसे शहीदों का अपमान मानते हुए काफी नाराजगी व्यक्त की। यात्रा जाती है और इसको उतर के हमारे यहाँ के भाजपा के ही कोई नेता है सुनील यादव, वो उतर कर इन वीरों को नहीं नमन किए, नहीं माला अर्पण किए। उस समय मैंने कहा उपाध्याय जी से कि ऐसे क्या हो रहा है, आप लोग ऐसी पार्टी में और ऐसा हो रहा है, इन शहीदों का अपमान हो रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। बता दें कि आजादी का यह जश्न सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं रहा। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर विकलांग व्यक्तियों में भी देशभक्ति की कुमारी देखी गई। इसी कड़ी में नैसर्गिक विकलांग सेवा संघ द्वारा आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम में विकलांगों को भी उत्साह से तिरंगा लहराते हुए देखा गया। उनको आजादी मिली थी उस समय देश की स्थिति कैसी थी, हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन सारी सरकारें, जो भी सरकारें अभी तक आई हैं, देश के लिए काम किया है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी आता है, तब भी हम लोग देश के प्रति अपना आनंद व्यक्त करते हैं। मैं चाहती हूँ देश में हर एक दिन वो ऐसा हो कि जहाँ हम स्वतंत्रता महसूस कर सके। एक और जहाँ रमेश लटके उत्तर भारतीयों के झंडा वंदन कार्यक्रम में देखे गए, वहीं भाजपा नेताओं का शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में न आना एक बार फिर रमेश लटके के प्रति उत्तर भारतीयों के विश्वास को पिछली विधानसभा में दिए मतों के रूप में सही साबित करता नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़।